बहुत बढ़िया काम था, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा काम करवा के जा रहे हैं। तो ये तो आप कहाँ से आए और अमाउंट? अमाउंट थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी बट हो गया, सेटिस्फाई हो गए ना। तो बेसिकली वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, सफर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं हुंडई वेन्यू, जिसके अंदर हम सीट कवर्स वगैरह या क्रोम वगैरह का काम कर रहे हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाता हूँ आपको कि हमने किस तरह से भैया को खुश करा। तो आज तो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है नई वाली वेन्यू, जिसमें एसएक्स वाला मॉडल मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो क्रोम वाली ग्रिल आती है, ये वाला, ये यू टाइप जो होता है, ये वाला और ये वाला, हमने ये वाला क्रोम लगाया है, ठीक है। इसके साथ बहुत ज़्यादा इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया, आप एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रिल आती है वो वाली क्रोम में आती है ऑलरेडी। और अब इसकी लुक देखो क्या लग रही है। तो यहाँ पर आप एक बार साइड प्रोफाइल चेक कर लो वेन्यू की, जिसके अंदर हमें अलॉय जो कंपनी वाले होते हैं वही मिलते हैं। यहाँ पर लोअर गार्निश नहीं मिलता है, तो हमने यहाँ पे लोअर गार्निश का काम कर दिया। यहाँ पर ब्लैक कलर की एक पट्टी आती है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये लोअर गार्निश, जो स्टील वाला लोअर गार्निश आता है, वो चीज़ लगा दी है। एक बार पीछे की तरफ भी देख लो, जो पीछे वाले गेट का भी ये चीज़ आता है। तो अभी इसके अंदर काम जो चल रहा है, इसके अलावा एक सीट कवर का काम और चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा भाई आएगा और ये थोड़ा सा सीट निकाल, क्या करना है, निकालना है, क्या करना है? नहीं निकालना नहीं है, ऐसे ही लगे। अच्छा, तो मतलब एक्चुअल में होता ही है कि इसके बकेट सीट कवर लगने वाले हैं। एक बार ये वाली पन्नी हटाइयो, कैसे हटाएगा? तो भाई मेरा अभी यहाँ पे सीट की पन्नी वगैरह हटा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इस सीट में ना एक तरह से ये जो सिलाई होती है यहाँ पे कट लगता है, ठीक है। तो भाई वो कट क्यों लगाते हैं एक बार बताएगा, पहले अपना नाम बता। शुभम। शुभम, तो यहाँ पे शुभम हमारे साथ है, एक बार शुभम की शक्ल दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी भाई को सीट कवर से रिलेटेड कोई काम है तो शुभम से आके मिल सकते हो। और यहाँ पर आपको अगर मैं सीट कवर्स की बात करूँ, तो पीछे वाला आप सोफा चेकआउट कर सकते हो जो अभी हमने लगा दिया है, ये देखो, ठीक है। तो ये क्वालिटी हम रखते हैं और ये क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होती है गाड़ी के अंदर। आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है गेट खोलने पर। और इसके अलावा अगर मैं पास से दिखाऊं उसको, तो ये देखो सिलाई वगैरह इसकी एक नंबर की सिलाई होती है, ठीक है। सीट कवर्स भी इसका बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखो फिनिशिंग देख लो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लुक को इन्हांस कर रही है, क्योंकि ये जो मैच कर रहा है ये हमारे टॉप से ही मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखो साइड वाले जो पिलर है से ही मैच कर रहा है, और ये चीज़ मैच कर रही है हमारे इस चीज़ से, ठीक है। तो नीचे जो लोअर में है ब्लैक है वो ये मैच कर रहा है, और ये चीज़ हमारा टॉप से मैच कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा सीट जो लग रही है बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया तो आपको, एक्चुअल में होता ही है जब भी आप बकेट सीट कवर लगाते हो तो इस तरीके से सीट्स को कट किया जाता है, ठीक है। और सीट्स को कट होने के बाद इसके अंदर से एक रॉड निकलती है, रॉड भी मैं आपको अभी चेक करा दूंगा, क्योंकि प्लास्टिक की एक रॉड होती है वो निकलती है, उसके बाद यहाँ पे सीट कवर्स इसके अंदर फंस के लगता है, ठीक है। चलते हैं गाड़ी की पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर डिग्गी का क्रोम आता है। एक बार वो दूसरा वाला क्रोम भी रखा है क्या? एक ये वाला क्रोम आता है, तो एक बार भाई क्वालिटी दिखाएगा इसकी। एक चीज़ ये होती है जो कि स्टील में होती है, जो हमने यहाँ पे स्टील में लगाई, जो हम सजेस्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि इसमें रस्टिंग वगैरह का जो इश्यूज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि कुछ परसेंटेज में लगा लो, अदरवाइज होता ही नहीं है। और ये चीज़ एक आपकी होती है जो चीज़ यहाँ पे लगती है, ठीक है, ये वाली भी। अगर किसी भाई को ये भी लगवानी है तो यहाँ पर देख रहे हो कैसी लग रही है, तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई, और इसको हटाओ एक बार। और ये चीज़ सेम यहाँ के लिए भी आती है, अगर कोई भाई यहाँ पे लगवा रहा है तो ध्यान रखना, ये क्वालिटी जो होती है वो ठीक ठाक होती है, इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको क्रोम का ज्यादा शौक है तो आप इसे लगवा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। बट यहाँ के लिए आप, मेरा जो सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो स्टील वाली आती है वो स्टील वाली ही लगवाओ। इसके अलावा एक बार अंदर के सीट कवर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, इस पे जो काम चल रहा है, इसकी आई की सीट देख रहे हो आप, ये वाली सीट हमने हटाई हुई है, बिकॉज अभी ये वाली सीट भी हटेगी। और ये वाली सीट सिर्फ इसलिए हटा रखी है क्योंकि इसमें काम चल रहा है, काम जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो भाई मेरा बैठा हुआ, भाई एक बार नाम बताइए, क्या नाम है? अनीश कुमार। अनीश कुमार भाई का नाम होने वाला है, कुमार भाई ने लगा दिया कि कोई पहचान ले कुमार से। यहाँ पर भाई ये क्यों हमने काटा है इसको, एक बार बताइए थोड़ा सा। बकेट फिटिंग के लिए हमने सिलाई खोला है, बकेट फिटिंग के लिए सिलाई खोला है। तो बेसिकली ये सिलाई खोलना होता है, कट करना नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर आपको जो अगर बकेट फिट चाहिए, इस तरह से बकेट फिटिंग चाहिए तो होगा, जैसे यहाँ पे देख लो ये कट करना ही होगा। तो ये चीज हमने कट कर लिया, और एक बार इसकी क्वालिटी देख लो कैसी लग रही है, ठीक है। पूरा ये चीज उठा हुआ, बिल्कुल उठा हुआ रहता है, और ये कपड़ा हमारा यहाँ से अंदर चले आता है, तो एक क्वालिटी जो लग रही है बहुत बढ़िया लग रही है। एक बार भाई इसको पूरा फिट करके गाड़ी के अंदर लगा देता है, वैसे ही मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कि सारे सीट कवर कैसे लग रहे हैं।
तो जो वेन्यू के अंदर हमने यहाँ पे रेन वाइजर लगाया था, ठीक है, ये गैलियो का कंपनी का जो रेन वाइजर आता है, जिस थोड़ा सा ट्रांसपेरेबल भी होता है, देख पाओगे आप, ठीक है, अंदर से मैं उंगली अगर कर रहा हूँ यहाँ पे तो मेरी फिंगर नजर आ रही है, ठीक है, तो ये चीज़ देख लो आप। वेन्यू की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही होगी और कुछ इस तरह की क्वालिटी होती है इसकी। लोकल्स में भी आते हैं ये, जो कि 300-350 कुछ इस तरह के हिसाब होता है, बट ये थोड़ा सा ब्रांडेड है और काफ़ी ज़्यादा जो लुक है वो उसकी अच्छी लग रही है। तो आगे पीछे का दोनों का आप रेन वाइजर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और जो गाड़ी पर लग रहा है वो आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। तो वेन्यू के अंदर अभी सीट कवर्स का काम पूरा हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डुअल टोन में ये सीट कवर लगाया गया था, और जो क्वालिटी अगर आप इसकी देखना चाहो तो ये चीज़ की क्वालिटी ये वाली होने वाली है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है। और एक बार आप थोड़ा सीट कवर्स भी देख लो किस तरह के लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने प्लेन रखा है और यहाँ पर इसको बर्फिंग लुकिंग दी है, तो यहाँ भी बर्फिंग लुकिंग हो गई, ठीक है, और उसके बाद दोनों सीट कवर्स आप चेक कर लो। एक बार अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो सोफा मैंने आपको दोबारा दिखाया था एक बार लगने के बाद, हेडरेस्ट लगने के बाद एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लो लुक क्या होने वाली है। और आगे से अगर मैं पूरी गाड़ी की लुक दिखाऊँ आपको तो कुछ गाड़ी की लुक जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ सीट कवर्स लगाने के बाद जो गाड़ी के अंदर लुक आ रहा है वो ये कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा लुक आ रहा है। इसके साथ साथ जो वेलकम प्लेट हमने लगाई है वो स्टील वाली जो वेलकम प्लेट आती है, क्योंकि भैया की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे स्टील में ही चाहिए, बाहर भी उन्होंने स्टील लगवाया और अंदर भी स्टील में ही चाहिए, तो हमने ये वाली उनको अवेल करवाई। और फोर वेन्यू के लिए जो लिखा हुआ आता है इस गाड़ी की होती है उस गाड़ी के लिए आपको ये वेलकम प्लेट मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको 70 मैट देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें हमने दो क्वालिटी दिखाई थी, एक पूरा जो जेड ब्लैक आता है पूरा वाला, एक ये वाली होती है। तो भैया को लगा के फिट करवाने के बाद भैया ने ये वाली चूज करी, उसके बाद फिर हमने इसको पूरी गाड़ी में लगा दिया। तो आप एक बार ये वाली क्वालिटी चेक कर लो, ये पूरा 70 जो होता है यहाँ से मुड़ा होता है, इस साइड से मुड़ा होता है, पीछे की साइड से मुड़ा होता है और आगे नीचे तक होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से दूसरी कंडक्टर साइड में भी होता है, यहाँ पर अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का होता है, यही वेलक्रो से चिपक जाएगा यहाँ पे और कुछ इस तरह का होगा, तो ये नीचे यहाँ पे होता है, उसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मुड़ा होता है, ठीक है, पूरा ऐसे ये चीज। तो ये इसकी कुछ क्वालिटी होने वाली है, ठीक है, A1 मतलब ये बोलते हैं A1 क्वालिटी जिसे बोलते हैं वो चीज़ होने वाली है। गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है, फिलहाल वक्त जाने का गाड़ी का, और जो लुक हो गई गाड़ी की कुछ इस तरह से आगे से आप देख सकते हो कैसी लग रही है। तो भैया आए थे और मैम आई थी हमारे साथ में, वेन्यू गाड़ी लेके आए थे, इन्होंने सीट कवर्स वगैरह काम किया था। भैया कैसा लगा काम? बहुत बढ़िया काम था, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा काम करवा के जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहाँ से आए हो पहले ये बता दो आप? मैं मोतीबाग से आया हूँ। मोतीबाग से आप आए हो, नाम क्या होगा आपका? अर्जुन। अर्जुन, तो भैया मोतीबाग से आए थे, गाड़ी लेके आए थे, हमने इसमें क्रोम वगैरह और सीट कवर वगैरह काम किया है, बाकी आप वीडियो में देख ही चुके होंगे, तो सब कुछ बढ़िया लगा। और अमाउंट थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी बट हो गया, सेटिस्फाई हो गए ना, तो बेसिकली आप खुश होके जाने से हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना।